इट इज़ नॉट ईजी टूअर। और जिस तरह से बात की है कि माजी में भी हम अवेस्ता कोई सीरीज नहीं थी, तो समथिंग उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। बड़े उजलित में फैसला ले रहे हैं, या तो पहले आप डिसीजन लें और जो डिसीजन लेते हैं तो उसको आप फिर बैक करें। एक फास्ट बॉलर अगर किसी कंडीशन में अच्छा है तो हो सकता है वो दूसरी कंडीशन में अच्छा ना, तो आपको पूल थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। मोहम्मद समी, वेल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। कैसे हैं आप? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद समी जो है वो बेसिकली मेंटोर भी हैं मलीर मलंग्स की, और जो आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, दो मैचेस खेल चुके हैं और दोनों जीत चुके हैं, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा खुश हूँ कि दोनों मैच खेली और दोनों जीती है, और वन ऑफ द जो लास्ट ईयर की चैंपियन टीम DHA दबंग उनको हराया है, और ओवरऑल जिस तरह से जेल हुई है टीम तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। स्क्वाड अभी काफ़ी सारे मैच हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि ये जो हमने मोमेंटम कैरी किया है इसको आगे कैरी ऑन करें और इंशाल्लाह जो है नॉकआउट स्टेज पर जाए। डेफिनेटली अवल टेप बॉल लीग है, तो मोहम्मद समी हम आपकी भी मेमोरीज को जानना चाहते हैं, क्योंकि जो क्रिकेटर की जर्नी का आगाज़ होता है वो टेप बॉल से होता है, स्ट्रीट क्रिकेट से होता है, तो ऐसी क्या खास मेमोरी टेप बॉल को लेकर आप हमसे शेयर करेंगे? बिल्कुल जी, टेप बॉल के लिए स्टार्ट जैसे आपने कहा कि सब ज़्यादातर टेप बॉल भी होता है, तो काफ़ी सारी मेमोरीज हैं अगर मैं रिकॉल करूँ तो। एक ख़ास वाक्य जहन में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी सारी मेमोरीज हैं। काफ़ी साल मैंने भी स्टार्टिंग में टेप बॉल से खेली, ये आगाज़ था, फिर ये कि वालिद साहब की तरफ से भी डांट पड़ती थी थोड़ा के पढ़ाई भी देखनी है, तो मेरे ख्याल में ये एक वो था कि इनिशियल पीरियड था जिसमें मैंने स्टार्ट की, लर्न की, और फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में आया। अच्छा, जो इनिशियल पीरियड होता है गली मोहल्ले में हम क्रिकेट खेलते हैं, आप जिस तरह अपने वक्त का याद कर रहे हैं कि मैं भी गली मोहल्ले में खेला करता था, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, या वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा आपका? देखें, बात यह है कि ड्रीम तो हर किसी का ही होता है, जैसे अगर आप कोई खेल खेल लें, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई प्रोफेशनल वो नहीं होता जहन में। अब जाहिर सी बात है, स्कूल अब कॉलेज से आप आएँ तो ग्राउंड की इतने ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है कराची में, तो वो यही है कि गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल होते थे लोग, तो हम भी स्कूल खेलते पढ़ते थे, उसके बाद आके स्कूल में रोडों पर खेलते थे, तो इसी तरह स्टार्ट हुआ। जहन में यही था कि बस आपने खेलना है उस वक्त, और देखें स्पोर्ट से खाली ना ही एक कल्चर है, एक लाइफ का वे है, और हमें काफ़ी चीज़ों से इसके वजह से एडवांटेज मिला, काफ़ी बुरी चीज़ बचते भी रहे, तो हाल ये हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला। अच्छा, जो नए जो टेप बॉल क्रिकेटर्स होते हैं वैसे भी यंग एज में स्पॉट हो जाते हैं, ऑफकोर्स 12 साल या 13 साल की उम्र में देखा जाता है कि हाँ हार्ड बॉल की तरफ जाने के लिए, लेकिन आप यंग टेप बॉल क्रिकेटर्स हैं, उन्हें क्या गाइड करेंगे कि अपने करियर को हार्ड बॉल की तरफ लाने के लिए क्या खास टिप्स देना चाहेंगे आप? बेसिकली देखें यही है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेप बॉल में जिस तरह ये KTPL शुरू हुई, बड़ा क्रेडिट जाता है इनको, टेप बॉल के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, अगर आप देखें कि अच्छा से अच्छा प्लेयर था लेकिन वो प्रोफेशनल क्रिकेट में नहीं आया, तो यही एक वजह है कि ये प्लेटफॉर्म था, इसमें खेलें, और मैसेज यही है कि मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप क्रिकेट को सीरियसली प्रोफेशनल लेते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत कभी रायगा नहीं आती, तो ग्राउंड में जितनी आप मेहनत करेंगे और जितनी आप प्रैक्टिस में मेहनत करेंगे वो ज़रूर नज़र आएगी लोगों को। वेल डेफिनेटली मोहम्मद समी की जानिब से तो ये ज़बरदस्त टिप्स दी गई हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट के करंट अफेयर्स के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और कुछ कैप्टनसी में भी लेकर काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, तो शान मसूद जो है वो टेस्ट स्क्वाड को लीड करेंगे, तो शान मसूद को लेकर उनकी कैप्टनसी टेस्ट को लेकर आपकी क्या राय है और उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैसेज यही है, बिल्कुल पहले तो एक गुड लक है कि पाकिस्तान टीम के वो कैप्टन बने, बाकी मैसेज यही है कि इट्स नॉट ईजी टूअर, और जिस तरह से बात की है कि माजी में भी हम अवेस्ता कोई सीरीज नहीं थी, तो समथिंग उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। फिर जिस तरह आपने कहा कि मैनेजमेंट आए थे चेंज होती रहती है, इवन फ्रॉम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से लेकर सेलेक्टर वो चीज, तो दिस इज टोटल न्यू सेटअप नाउ, और उम्मीद करता हूँ कि अब जिस तरह से ये वे फॉरवर्ड में अगर अपना खेलने का तरीका बदलेंगे और टफ टाइम देंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो इट इज रियली टफ कंपटीशन राइट ऑफ। शान मसूद में वो कैपेबिलिटीज आप देखते हैं कैप्टनसी की? देखें इट्स ऑल डिपेंड किस तरह टीम परफॉर्म करती है, अगर आपकी टीम जल है अच्छा परफॉर्म करेगी तो कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल है, कैपेबिलिटी है, लेकिन आई डोंट नो कि किस तरह ग्रूम किया जाता है यहाँ पाकिस्तान में कप्तान को। अगर आपको लगता है कप्तान है तो वो डोमेस्टिक टीम की कप्तानी क्यों नहीं कर रहे, फिर PSL में कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन हैं जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि ये अगर फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी यही अपील है कि कंसिस्टेंसी लाएँ अपने फैसलों में। बिल्कुल, जहां आपने कहा है कि कंसिस्टेंसी आनी चाहिए फैसलों में, तो सिंस वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप बहुत सी चीज़ें लाइक आपने जिक्र किया, बहुत सी चीज़ें चेंजेस हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत चैलेंजेस का सामना है क्रिकेट बोर्ड को, अभी रिसेंटली सलमान भट्ट की मिसाल ले लें, तो इस फैसले को लेना फिर रिवर्स करना, आपने इसको किस तरह देखा?
देखिए बिल्कुल यही है, इस तरह पहले भी डिसीजन हुए, जैसे मैंने बात किया कि लास्ट टाइम सिलेक्शन कमेटी आई थी, जब से एनजी भाई का सिनेरियो आया था उसके बाद एक अपने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की, तौसीफ भाई जिसके हेड थे, तो मेरे ख्याल में 3 दिन के बाद वो सिलेक्शन कमेटी हटाती गई। फिर ये इसी तरह आप सलमान भट्ट के साथ हुआ, सिलेक्टर बनाया 2 दिन के पास से, फैसला लेना दुरुस्त है मेरे ख्याल में, बड़े उजलित में फैसला ले रहे हैं। या तो पहले आप डिसीजन लें और जो डिसीजन लेते हैं तो उसको आप फिर बैक करें, अगर आप एकदम ही वो यू टर्न लेके आप फिर, तो वो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। और क्रिकेट बोर्ड में आज के लिए आप देखें कि काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन हो रहे हैं जो 2 दिन के बाद ही चेंज हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, इससे क्रिकेट का नुकसान होगा। अच्छा जी, जहाँ हमने वर्ल्ड कप का जिक्र किया तो ODI वर्ल्ड कप में हमारी जो बॉलिंग यूनिट खास कर कहा जाता है हमारी स्ट्रेंथ है, आप एज फास्ट बॉलर आपका बड़ा नाम था, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे आपकी बॉलिंग को बहुत पसंद करते थे, आपकी नज़र में जो हमारी फास्ट बॉलिंग यूनिट है, शाहीन की बात करते हैं, हारिस रऊफ की बात करते हैं, बॉलिंग की फेलियर की वजह क्या बनी इस वर्ल्ड कप में? देखिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसमें, ये भी नहीं कह सकते कि एक फैक्टर है। सबसे पहले तो ये कि देखें हमारे लड़के, वही लड़के टेस्ट में खेल रहे हैं, वही वनडे टीम में, वही T20 टीम में, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड मैनेजमेंट भी ये शामिल हो रही है। फिर आप देखें शाहीन आई इंजरी के बाद से फिर वो मुसलसल खेलते रहे, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े फैसले करने पड़ेंगे, अपना पूल आपको बढ़ाना पड़ेगा फास्ट बॉलरों का, ताकि क्योंकि एक फास्ट बॉलर अगर किसी कंडीशन में अच्छा है तो हो सकता है वो दूसरी कंडीशन में अच्छा ना हो, तो आपको पूल थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। फिर जैसे आपने बात की हसनैन इंजर्ड हुए, नसीम इंजर्ड हुए, एहसान उल्ला इंजर्ड हुए, तो काफ़ी हमारी पेस बैटरी इंजर्ड भी हुई है, तो वर्कलोड मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा क्रिकेट को, क्योंकि हमारे जिस तरह के लड़के हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में लीग खेल रहे हैं, फिर यहाँ के पाकिस्तान के लिए भी जान लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा संभाल के खिलाना पड़ेगा बॉलरों को। वेल, बस चंद 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे तब टीम में आपकी किससे ज़्यादा दोस्ती रहा करती थी या किससे ज़्यादा आपकी जमती थी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सबके साथ जल लगे चलता था, कोई ऐसा नहीं है कहें कि बिल्कुल ही किसी क्लोज दोस्ती थी, लेकिन जाहिर सी बात है आसिम कमाल थे या कराची क्रिकेटर थे, उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा रहता था, क्योंकि यहाँ भी आ रहे हैं और साथ खेल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़्यादा था। एक आपके करियर का सबसे बेस्ट मोमेंट और एक ऐसा मोमेंट जो आप बोलते हैं कि ये गलत हुआ या इससे मुझे लर्निंग हुई? देखो बहुत सारी है, लर्निंग तो हमेशा रहती है पहले दिन से आखिर तक, कि क्रिकेट खेल ऐसा है इसमें कोई कंप्लीट नहीं है, तो वही थी कि जिस दिन पहले दिन मैं टेस्ट में सेलेक्ट हुआ और पहले दिन ही मैं मैन ऑफ द मैच हुआ, तो वो मेरे करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। माँ बाप की दुआएं थी कि जिस वजह से ये मुझे करने का मौका मिला। और बात ये कि दूसरी बात जो है कि इसमें काफ़ी सारे हैं, देखें सीखने को हर जगह मिला, आप अगर ODI 2003 से हम बाहर हुए, 7 से बाहर हुए, तो ये दोनों ऐसे लम्हे थे कि जब सोच रहे थे कि अच्छा नहीं हुआ ये क्रिकेट के साथ, और कोशिश कर रहे थे, सोचते ही कि थोड़ी सी और अगर एफर्ट करते तो शायद नतीजा रिजल्ट होता। वेल, लास्ट आपसे सजेशंस लेना चाहेंगे, यंग क्रिकेटर्स जो हैं अपना करियर बना रहे हैं, अपने करियर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो अपने एक्सपीरियंस से यंग क्रिकेटर्स को क्या कहेंगे कि वो अपने करियर को किस तरह लेके चलें? यही है, देखें यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरह बल्कि पूरी दुनिया में आप पर कहें एक मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सहारा देती है और जिसके आपको सिला मिलता है, तो मेरे ख्याल मेहनत करते रहें, डजंट मैटर अच्छा हो बुरा हो, लोग काम है थोड़ा तनकीद भी करते हैं, कुछ वो ज़्यादा कर जाते हैं कुछ कम करते हैं लोग, लेकिन एज अ क्रिकेटर आपको बस यही होती है कि कोशिश करनी होती है अपना नाम बनाना है, अपने मुल्क का नाम बनाना है, तो मेहनत 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 एंड मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच मोहम्मद समी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कराची प्रीमियर लीग सीजन 3 के मौके पर मोहम्मद समी के साथ हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।